हमारे सेडनास के बिग बॉस 13 में कोजी से मोमेंट। जी हाँ गाइस, जब हमारे सेडनास ये भूल गए थे कि बिग बॉस हाउस में कैमरास भी होते हैं, तो वो मोमेंट मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस, यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज हैं। एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा टाइम था गाइज ये इन दोनों का, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ शहनाज को थोड़ा सा टीज़ करते हैं और वो शेफाली के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर शहनाज को वो बात अच्छी नहीं लगती। और आरती, सिडनास मोमेंट में आरती का घुसना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, लेकिन कई बार आरती के कारण ही हमारे सिडनास के कोजी मोमेंट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आरती शहनाज को बोलती है कि तू जली ना, जली ना, और इस वर्ड से शहनाज को प्रॉब्लम होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। वो शहनाज यहाँ पर सिद्धार्थ से बोलती भी है, वो चिढ़ जाती है, वो बोलती है कि सिद्धार्थ ऐसी बातें मत निकलवाया कर लोगों के मुँह से, मेरे लिए ऐसा मत बोला अगर मुझे नहीं अच्छा लगता। और वो रोने जाती है। इससे पहले भी शहनाज वॉशरूम एरिया में रोकर आई होती है और यहाँ भी रो रही होती है, और सिद्धार्थ बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस मोमेंट में सबसे ज़्यादा प्यारा था सिद्धार्थ का शहनाज को मनाने का एक अलग अंदाज़। जी हाँ गाइज, यहाँ पर सिद्धार्थ शहनाज को बहुत प्यार से मनाता है और उसका क्विल्ट हटाता है, और उसे आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा कोजी हो जाता है और शहनाज को मनाता है। और यहाँ पर गाइज शहनाज भी मान जाती है, वो कैसे दूर रह पाती है अगर सिद्धार्थ इतने ज़्यादा प्यार से शहनाज को मनाता है। और यहाँ पर सिद्धार्थ एक गाना भी गाता है शहनाज को मनाते हैं, और शहनाज मान जाती है और वापस से सिद्धार्थ को हग करती है। और आप ये देख रहे हैं, एक क्यूट सा हग हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। सिद्धार्थ का अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो वो शहनाज के शोल्डर को दबा रहा होता है, और शहनाज को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और फिर शहनाज कहती है दूसरा वाला भी दबा, और इस तरह से दोनों जने बहुत ज़ोर से हंसते हैं, और सिद्धार्थ दूसरी तरफ से भी शहनाज का शोल्डर दबाता है। और दोनों के चेहरे पर ये प्यारी सी स्माइल आप देख सकते हैं, ब्लश देख सकते हैं। और जब सिडनाज इस तरीके से ब्लश करते हैं ना, तो हम फैंस के चेहरे पर अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है। तो ये मोमेंट गाइस बहुत ही क्यूट है और बहुत ही दिल के करीब भी है, क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ ने शहनाज को मनाया, उसे पैम्पर किया, और यहाँ पे आप शहनाज के शर्माना भी देख सकते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे इस मोमेंट पे और भूल चुके थे कि भाई बीबी हाउस में कैमरास भी हैं। और ये मोमेंट प्रातःकाल 4 बजे वाला मोमेंट हमारे सिडनास जब बहुत ज़्यादा कोजी हो चुके थे, तो गाइस ये मोमेंट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पर शहनाज और सिद्धार्थ की थोड़ी सी अनबन हो चुकी होती है, यहाँ पर शहनाज भी खफा है सिद्धार्थ से और सिद्धार्थ भी थोड़ा सा नाराज़ है। अब रात हो चुकी है, लेकिन दोनों ही अभी एक दूसरे से दूर हैं। सिद्धार्थ यहाँ पर बाहर जाता है, पूल एरिया की तरफ जाता है, वहाँ पर पारस भी बैठा होता है। तो सिद्धार्थ यहाँ पर अपने दिल की बात कहता है, वो शहनाज के बारे में बात करता है। वो कहता है कि ये अपने लगने पर सामने वाले की बैंड बजा देती है। अब यहाँ पर दोनों सिद्धार्थ और शहनाज नाराज़ हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे एक दूसरे, लेकिन एक दूसरे के बिना सो तो नहीं सकते ना। एक दूसरे की बाहों में ही हमारे सिडनास को नींद आती है, और इस तरह से सिद्धार्थ और शहनाज की तड़प भी दिखती कि यार इनके दिलों में एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा प्यार है। और जब फाइट होती थी ना, तब ये प्यार इस तरह से उमड़ उमड़ के बाहर आता था गाइस। तो यहाँ पर रात हो जाती है और दोनों जने साथ में ही होते हैं, एक बेड पर होते हैं। लेकिन जैसे ही बिग बॉस अनाउंस करते हैं प्रातःकाल 4 बजे, और हमारे सिडनास जाग रहे होते हैं उस समय, और यहाँ पर ख़ास बात ये कि शुरुआत सिद्धार्थ की तरफ से होती है। सिद्धार्थ शहनाज के हाथ पर किस करता है उसके बाद, और उसे इशारा भी करता है, और शहनाज फिर सिद्धार्थ के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, सिद्धार्थ की बाहों में आ जाती है और सिद्धार्थ के चीक पर किस भी करती है, और हमारे सिडनास बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो ये है सिडनास के कुछ कोजी मोमेंट्स जब सिडनास भूल चुके थे कि बिग बॉस हाउस में कैमरास भी है। वेल गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।